हाय फ्रेंड, ऑल इंडिकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन और उससे संबंधित पत्थर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए सबसे पहले है कि कांग्रेस के स्थापना कब हुआ था। तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ था? तो वो मुंबई में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसको कहेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के, उसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। उसके बाद है 1886 में यह कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नरोजी ने। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ये दादा भाई नरोजी ने किया था। तीसरा है 1887। ये 1887 ही वोटेड है, क्योंकि ये 1887 में कहा हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता किया था। तो कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, इसकी अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कहाँ किया था? तो मद्रास में इसकी स्थापना हुआ था, इसकी मद्रास में अधिवेशन हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है 1888 जो है ये इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले हो जाएगा। कहाँ किया था? ये इलाहाबाद में इसकी अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्षता किया था। तो जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है 1893 ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। लाहौर अधिवेशन 1893 का दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद है 1896, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। 1896 जो अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। एम ए सियानी इसकी अध्यक्षता किया था। इसमें क्या था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था ये कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 में। इसके अध्यक्षता किसने किया था? तो एम ए सियानी ने। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन एम ए सियानी ने किया था 1896 में। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। पहली बार वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन 1896 का, इसके अध्यक्षता एम ए सियानी ने किया था। उसके बाद है 1906, यह कलकत्ता में हुआ था। 1906 कलकत्ता में हुआ था, ये भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें पहली बार जो था स्वराज पद का प्रयोग हुआ था। तो पहली बार स्वराज पद का प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ किया था? तो कलकत्ता 1906 में। कलकत्ता 1906 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज पद का प्रयोग किया था, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद 1907 ये सूरत अधिवेशन कहते हैं इसको। 1907 सूरत अधिवेशन, ये राज बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता किया था। ये क्या था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो राज बिहारी घोष ने किया था, इसको भी याद रखिए। उसके बाद 1911 ये भी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्षता किया था पंडित विशन नारायण धर कलकत्ता 1911 में। इसे पहली बार जनगणमन यानी राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान गाया था 1911 के अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान जनमन गण गाया गया था 1911 के अधिवेशन में, ये भी कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्षता किसने किया था? पंडित विशन नारायण धर। और राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ये भी कलकत्ता के 1896 में। तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम गाया गया था उस समय, इसके अध्यक्षता से एम ए सियानी। जब राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था उसमें था विशन नारायण धर,
इसको आप याद रखेंगे, और दोनों का कत्ता मेरा विदेश में हुआ था, इसकी खाली अधिकता इसको याद रखेंगे। जनगण में था विशन नारायण धर, और वंदे मातरम में था एम एस श्याम। उसके बाद 1917 कलकत्ता में हुआ था एनिवेशन, एनिवेशन इसकी अध्यक्षता था, प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, एनिवेशन, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनिवेशन। किसने कहां किया था, सही कलकत्ता में किया था 1917 में, एनिवेशन कहां किया था 1917 में किया था कलकत्ता में, ये कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद है 1922 जब पटना गया हुआ था, 1912 में पटना में 12-22 याद रखेंगे, 12 में पटना में हुआ था और 22 में गया हुआ था, तो 12 में हुआ था बांकीपुर पटना में, पहले पटना में हुआ था उसके बाद गया हुआ था, तो 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आर एन मधोलकर जो था इसकी अध्यक्षता किया था, कहां से, पटना वाला बांकीपुर का, और गया में हुआ था 22 में, इसने किया था सी आर दास किया था गया में। इसके बाद 1923 ये दिल्ली में हुआ था, इसने किसने किया था, तो अब्दुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष तो अब्दुल कलाम आजाद, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद कहां अध्यक्ष किया था, ये नई दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था अब्दुल कलाम आजाद, ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद 1924 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बेलगाम हुआ था, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। पूछता है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, मात्र एक ने जो महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किया था, तो ये बेलगांव अधिवेशन था, मात्र एक में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किया था, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 इसको याद रखेंगे। 1924 महात्मा गांधी इसको याद रखेंगे। तो एक बार डिवीजन देख लेते हैं, पहला डिवीजन 1885 मुंबई में दादू सिंह बनर्जी 72% ने भाग लिया, दूसरा था 1886 कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी ने भाग लिया था, तीसरा था 1887 मद्रास में बलदीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बलदीन तैयब जी थे ये मद्रास में, इसका अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूलर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूलर ये इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुआ था। 1893 में लाहौर दादाभाई नौरोजी ने, उसके बाद 1896 कलकत्ता में होता एम एस यानी पहली और वंदे मातरम गाया गया था एम एस यानी के अध्यक्षता में 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी पहली और वंदे मातरम गाया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने, सॉरी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था दादाभाई नौरोजी ने किया था कलकत्ता में। 1907 में सूरत अधिवेशन, 1907 में राज यानी घोष ने किया था कांग्रेस का प्रथम विभाजन, 1907 में सूरत अधिवेशन राज यानी घोष। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिस समय पंडित विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता किया था, पंडित विशन नारायण धर पहली बार जन मन गाया गया था। उसके बाद 1917 में कलकत्ता में एनिवेशन प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनिवेशन हो जाएगा कलकत्ता में हुआ था। 1912 में बांकीपुर मधेकर 12-22 में था, 12 में हुआ था सबसे पहले पटना में, उसके बाद गया हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। 23 में हुआ था दिल्ली में अब्दुल कलाम आजाद, सबसे युवा अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद, ये दिल्ली में अधिवेशन हुआ था 1913 में। 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी सबसे पहला इसका अधिवेशन किया था कांग्रेस के, एकमात्र ही अधिवेशन में भाग लिया था ये महात्मा गांधी थे बेलगांव अधिवेशन में, इसको उम्मीद है याद हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करते हैं, धन्यवाद।